हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस फाइनली आज आपका पी ब्लॉक खत्म हो जाने वाला है। आज ये आपका पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है। करीब 13 लेक्चर में आपको पी ब्लॉक में खत्म किया था। पी ब्लॉक के वे सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं जो चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया गया है। इसमें जो न्यू सिलेबस में आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है उन्हीं चीज़ों को बताया गया है। तो 13 लेक्चर अगर आप लोग देख लेते हो तो पी ब्लॉक से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा तैयार हो जाने वाला है। तो गाइस मैं पी ब्लॉक का जो प्रीवियस वीडियो है पूरा का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। आज पी ब्लॉक का द एंड है, लास्ट है। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जीनान के कंपाउंड, यानी जीनान की यौगिक, ठीक है। वर्ग 18 का यह भी लास्ट लेक्चर है, यानी पी ब्लॉक में वर्ग 18 में यह लास्ट लेक्चर है कि जीनान के कंपाउंड। वैसे तो मैं आपको बताया था कि जीनान कंपाउंड नहीं बनाता है, मतलब पूरा अक्रिय गैस कंपाउंड नहीं बनाते हैं, लेकिन जीनान बनाता है। तो क्यों बनाता है ये सभी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीनान के कंपाउंड पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आता है 3 अंक में। जीनान के कंपाउंड क्यों बनाता है जबकि अन्य अक्रिय गैस कंपाउंड क्यों नहीं बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड कि जीनान कंपाउंड क्यों बनाता है जबकि अन्य अक्रिय गैस कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको क्या लिख कर आना है, ये सभी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। साथ में लास्ट में इन सभी का स्ट्रक्चर और संकर भी बताया जाएगा, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि जीनान कंपाउंड क्यों बनाता है और अन्य तत्व कंपाउंड क्यों नहीं बनाते हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे। देखिए, जो जीनान होता है उसका आयनन विभव, क्या आयनन विभव कम होता है। जीनान का आयनन विभव कम होता है अन्य अक्रिय गैस के अपेक्षाकृत। जीनान का आयनन विभव अन्य अक्रिय गैस के अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण वह ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखे, जीनान अधिकतम यौगिक बनाता है क्योंकि इसका आयनन विभव अन्य तत्वों से कम होता है, अतः यह जीनान जो है अन्य गैसों से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मिलकर यौगिक बनाता है, अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक क्यों नहीं बनाता है। तो ये आप बताओगे क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अधिक होता है, फ्लोरीन की 4 और ऑक्सीजन 3.5 होता है। इसके वजह से जीनान केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर ही यौगिक बनाता है, अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक नहीं बनाता है, ठीक है। फिर से समझना, जीनान यौगिक क्यों बनाता है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि जीनान अधिकतम यौगिक बनाता है क्योंकि इसका आयनन विभव अन्य तत्वों की अपेक्षाकृत कम होता है, अतः जीनान अन्य अक्रिय गैस के अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। यह भी आप एक लाइन लिख लीजिएगा अपने नोट्स बुक में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जीनान यौगिक क्यों बनाता है, तो आप ये लिख कर आएंगे। अब देख लेते हैं जीनान के कौन कौन से यौगिक होते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर जीनान के यौगिक लिखे हैं। देखिए, जीनान सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकता है, फ्लोरीन के साथ मिल सकता है। तो सबसे पहले फ्लोरीन के साथ मिलकर कौन कौन से यौगिक बनाता है। पहला बनाता है जीनान डाई फ्लोराइड, यानी 2 फ्लोरीन है यहाँ पर, इसलिए इसे कहेंगे जीनान डाई फ्लोराइड। दूसरा बनाता है जीनान टेट्राफ्लोराइड, यहाँ पर देखिए 4 फ्लोरीन है। तीसरा बनाता है जीनान हेक्साफ्लोराइड, समझ आया आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, जीनान अगर ऑक्साइड के साथ मिले तो यहाँ पर जीनान ट्राई ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा जीनान ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, दोनों के साथ एक साथ मिलकर भी यौगिक बना लेता है। उसका एग्जाम्पल है जीनान ऑक्सी फ्लोरीन, देखिए जीनान XCOF4, XCOF2, XCO2F2, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। अब गाइस, इन सभी का मुझे स्ट्रक्चर लिखना है और संकरण लिखना है। देखिए, सभी के बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैं ये देखा हूँ, इसलिए मैं सोचा हूँ कि आपको बता दूँ। और मैं एक बात बता दूँ, अगर आपको इसके बाद कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, जैसे IIT या JEE मेन या फिर नीट वगैरह, या फिर कोई किसी कॉलेज का BSc का एग्जाम देना है, जैसे BHU BSc काफ़ी लोग देते हैं, और इसी तरह इलाहाबाद का भी, या काफ़ी लोग देते हैं आपके बिहार में पटना उटना की कॉलेज की, ठीक है। तो मैं बता दूँ, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है उसमें कि XCOF2 दे देगा क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका संकरण क्या होगा, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। और संकरण ये सब बताने के लिए आपको कक्षा 11 में पढ़े होंगे,
लेकिन 11 के बाद आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 11 में नहीं पढ़े हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अच्छे से आपका बेस क्लियर करके बताऊँगा। सबसे पहले हम आपको बता देता हूँ कि संकरण होता क्या है और संकरण निकालते कैसे हैं, उसके बाद आप लोग सीधे सीधे निकाल लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, संकरण आपको मालूम होगा कि दो समान कक्षक आपस में मिलकर उनके ऊर्जा में पुनर्वितरण के बाद एक न्यू कक्षक बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं संकरण, ठीक है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संकरण या हाइब्रिड कहते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो छोड़िए उन सभी चीज़ों को, संकरण कितने प्रकार से होता है ये हम देखते हैं। पहला एक संकरण होता है sp संकरण, दूसरा होता है sp2 संकरण, तीसरा होता है sp3 संकरण, चौथा है sp3d संकरण, इस तरह से होता है, इस चौथा होता है sp3d संकरण, और इसके बाद होता है sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण, यही होता है, ठीक है। sp होता है sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, और एक होता है dsp2 संकरण, sp2 संकरण। इसको छोड़िए, इसका यहाँ पर जरूरत नहीं, इसका उपसंयोजक यौगिक में जरूरत होगा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर शुरू करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और ये संकरण का बहुत यूज आएगा आपका उपसंयोजक यौगिक में भी, ये सोचना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sp संकरण होता है sp2, sp3, sp3d और sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, अगर कोई कंपाउंड sp संकरण हो गया तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका होगा रेखीय स्ट्रक्चर। क्या होगा? रेखीय स्ट्रक्चर। इसका क्या होता है? त्रिकोण। इसमें कितने अंश का कोण होता है ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चतुष्फलकी। sp3 होगा तो चतुष्फलकी होता है, ठीक है, इसका चतुष्फलकी होता है। इसका क्या होता है? उसका तो sp3 हो गया तो उसका चतुष्फलकी होता है। इसका होता है त्रिकोणी द्विपिरामिडी, त्रिकोणी द्विपिरामिड, ठीक है। इसका होता है अष्टफलकी। क्या? sp3d2 का होता है अष्टफलकीय, ठीक है। sp3d3 का होता है, क्या होता है? विकृति, विकृति मतलब विकृत अष्टफलकी। क्या होता है? विकृत अष्टफलकी। ये सभी चीजें होती हैं। sp का होता है रेखी, sp2 का त्रिकोणी, sp3 का चतुष्फलकी, sp3d का त्रिकोणी, त्रिकोणी द्विपिरामिड, ये इस तरह से मात्रा होगा, ठीक है। sp3d2 का अष्टफलकी, sp3d3 का होता है विकृत अष्टफलकी, ये होता है संकरण। असंकरण निकालते कैसे? किसी भी तत्व के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का योग कर लेते हैं। अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसका सम करते हैं। अगर सम आपका 2 आता है तो sp संकरण होता है, 3 होता है तो sp2 संकरण, 4 होता है तो sp3 संकरण, 5 होता है तो sp3d संकरण, 6 होता है तो sp3d2 संकरण, 7 होता है तो sp3d3 संकरण होता है, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ते हैं क्या? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मान, ठीक है, ये आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मान। अब मैं आपको बताऊंगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मान क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज और जानना यहां पर। इसके लिए अगर आपका संकरण आ जाए sp3d संकरण, ये आ गया, अगर वहां पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। 2 लोन पेयर हो सकता है, 3 लोन पेयर हो सकता है, तो इसकी स्ट्रक्चर बदल जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। अगर sp3d संकरण आ गया और वहां पर एक लोन पेयर, तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, और स्ट्रक्चर बदल कर अगर एक लोन पेयर तो सीसा का आकृत हो जाता है। अभी आपको मैं संकरण बता रहा हूं, अभी सबका स्ट्रक्चर मैं खटाखट बनाकर दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। अब सॉरी, यहां पर सीसा होना चाहिए। अगर एक लोन पेयर, वैसे तो इसका sp3d संकरण का आकृत क्या होता है? त्रिकोणी में होता है, त्रिकोणी होता है, द्वि पिरामिड होता है ना,
वैसे तो एसपी थ्री डी संकरण का आकृति त्रिकोणीय द्वि पिरामिड होता है, लेकिन वहां पर अगर एक लोन पेयर है, यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की स्ट्रक्चर में अगर एक लोन पेयर उपस्थित है तो उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, चेंज होकर आपका बन जाएगा इसका आकृति सीसा की आकृति, सा की आकृति, सीसा की आकृति हो जाएगा ना। अगर वहां पे दो लोन पेयर है तब पर भी आकृति चेंज हो जाएगा, सीसा से आकृति बेंट चेंज होकर हो जाएगा बेंट टी, बेंट टी शेप हो जाएगा। अगर तीन लोन पेयर है तो इसकी आकृति बेंट टी शेप से भी चेंज होकर रेखी हो जाएगा। अब मैं इसे आपको करके दिखाता हूं। आप अभी तक क्या पढ़े हो संकरण के बारे में, संकरण क्या होता है, एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी टू, ये संकरण होता है। यहां पर अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का मान, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मान अगर दो आता है तो रेखी संकर स्ट्रक्चर होगा, एसपी संकरण होगा। तीन आता है तो एसपी टू संकरण होगा, त्रिकोणीय संकरण मतलब स्ट्रक्चर होगा। चार आता है तो क्या होगा, एसपी थ्री संकरण होगा, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होगा। पांच होता है तो एसपी थ्री डी संकरण होगा, त्रिकोणीय द्वि पिरामिड होगा। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का मान छह आता है तो एसपी थ्री डू संक थ्री डी टू संकरण होगा, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होगा। सात आता है तो एसपी थ्री डी थ्री संकरण होगा, विकृत अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होगा। ये सभी चीजें हैं यहां पर समझना। अगर आपका एसपी थ्री डी संकरण आता है वहां पर अगर एक लोन पेयर उपस्थित हो तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है, सीसा की हो जाती है। दो लोन पेयर उपस्थित तो बेंट टी शेप हो जाता है, तीन लोन पेयर उपस्थित तो रेखी हो जाता है। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, समझनी होनी चाहिए, और इन सभी चीजों का यूज करके हम आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। अब समझना, यहां पर सबसे पहले मैं जीनान फ्लोराइड को ले रहे हैं, जीनान डाइफ्लोराइड को। एक चीज समझना, जीनान की बात करें, इसकी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लोरीन की बात करें इसकी वाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है। इसके वाह्यतम कक्षा में, जीनान के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के वाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब समझना, अगर जीनान एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, साझा कर ले, मतलब साझे का मतलब होता है आधा तुम ले लो आधा हम ले लें, तुम्हारा भी 8 हो जाएगा मेरा भी तो 8 है ही, मेरा 8 है ही, अगर मेरे में से एक रूम एक आधा तुम ले लो आधा हम ले लें तो इसका भी 8 है ही, इसका 8 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर। तो जीनान डाइफ्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर बनाना हुआ तो सबसे पहले आप यहाँ पर जीनान लिखोगे ठीक है, इसके पास 8 होते हैं तो 8 यहाँ पर लिखोगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन चार पाँच छ सात आठ, ये 8 हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर ये जो 8 है इसे क्या कहोगे, देखो अगर ये दो चीज़ों मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ लिए इसे कहते हैं लोन पेयर, ये दोनों को एक साथ लेंगे इसे कहेंगे लोन पेयर, और इसी को हम कर रहे हैं एलपी, और यही जोड़ना है, यानी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ लेना है तो इसे लोन पेयर कहेंगे। बॉन्ड पेयर किसे कहेंगे सर, बॉन्ड पेयर बता रहा हूँ अभी किसे कहेंगे, ध्यान से समझना, ये तो लोन पेयर हो गए, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, अकेले नहीं, पेयर का मतलब दोनों को एक साथ लेना है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर। जो बच्चे 11 में पढ़े होंगे उनको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको भी समझ में आएगा, ध्यान से समझते जाना बस। अभी आप देखोगे कि जादू हो गया, ऐसा होगा कि जादू हो जाएगा, सभी का हाला तुरंत के तुरंत स्ट्रक्चर बनने से स्टार्ट हो जाएंगे, देखना अभी कैसे भी। एक पहला है आप समझना, यहाँ पर ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक साथ लेंगे तो इसे लोन पेयर कहते हैं ठीक है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, लेकिन आपको एक्स सी एफ टू लिखना है, एक्स सी एफ टू लिखना है इसलिए यहाँ पर दो फ्लोरिन को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अभी ख़त्म करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ला देते हैं दोनों को ठीक है, और जो फ्लोरिन दोनों है इससे इससे जोड़ देते हैं। देखिए ये आपका बंद बन गया ना, फ्लोरिन ये जुड़ा है तो ये बंद बन गया आपका, बंद बना कि नहीं, ये फ्लोरीन जुड़ा है तो ये बंद बना ना आपका, तो आपका ये जो बंद बना इसे बॉन्ड पेयर कहते हैं बीपी, ये बॉन्ड पेयर कहेंगे इसे, और ये जो अकेले में दोनों इलेक्ट्रॉन इसे लोन पेयर कहेंगे। अगर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जोड़ने के लिए कहा गया तो कैसे जोड़ोगे,
समझना यहाँ पर लोन पेयर की संख्या क्या यहाँ पर कितना है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर, मतलब तीन है। बॉन्ड पेयर की संख्या कितना है, दो है। कौन कौन बॉन्ड पेयर, एक ये है एक ये है, ठीक है दो। अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पर लोन पेयर की संख्या तीन है, इसकी संख्या दो है, तो ये आ जाएगा पाँच आ जाएगा। पाँच पे कौन सा संकरण हो रहा था, तो आँख मुनोगे यहाँ पर देखोगे पाँच का कौन सा संकरण है, sp3d संकरण। तो यहाँ पर सीधे नीचे लिखोगे संकरण, संकरण पूछा जाता है तो संकरण सीधे लिख देना यहाँ पर sp3d संकरण। बोलिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, अभी नहीं समझ में आया परेशान मत होना, अगला एग्जाम्पल करेंगे आ जाएगा sp3d संकरण। लेकिन एक बात है, यहाँ पर मैं बताया था कि अगर sp3d संकरण आता है तो आपको लोन पेयर देखना है आकृति लिखते समय। आप यहाँ पर sp3d संकरण का आकृति तो त्रिकोणी द्वि पिरामिड होता है, लेकिन उसको लिखने से पहले एक चीज ध्यान देना आपको लोन पेयर है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे लोन पेयर तो है, कितना है, तीन है। आइए देखते हैं यहाँ पर तीन लोन पेयर के लिए क्या लिखते हैं। देखिए अगर sp3d संकरण आएगा तो लोन पेयर, अगर नहीं रहेगा यहाँ पर, अगर जीरो लोन पेयर रहेगा तब तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा। अगर जीरो लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है तो सीसा, दो लोन पेयर तो बेंटी सेम, तीन लोन पेयर तो रेखी। यहाँ पर कितना लोन पेयर भैया, तीन लोन पेयर है, एक दो तीन। इसकी आकृति क्या हो जाएगी, रेखीय, इसकी आकृति रेखीय हो जाएगी। बोलिए आपको संकरण और आकृति निकालने आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लोन पेयर आपको गिनना है, बॉन्ड पेयर गिनना है, उसे जोड़ देना है, उसके बाद वहाँ पर जो मैं बनाया हूँ उसी के आधार पर आकृति लिख देना है। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर इसकी आकृति बनाने के लिए कह दे तो कैसे बनाएंगे, इसका आकृति देखिए कैसे होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर यह आपका एक्सी होता है, ठीक है, और इसका ऊपर रेखी होता है, तो मतलब ऊपर इस तरह से रेखा के अनुसार यब जुड़ जाता है साथ में, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका, इसको हम रब कर रहे हैं, ये समझने के लिए मैं बनाया था। और ये फाइनली स्ट्रक्चर होता है किसका, sp, इसको भी मिटा दें, sp3d का, ठीक है। ये आपका XCF2 का स्ट्रक्चर होता है, जीनान डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, संकरण होता है, sp3d संकरण होता है, आकृति रेखी होता है, स्ट्रक्चर ये होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये लोन पेयर यहाँ पर क्यों रखे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते, अगर यहाँ पर रखेंगे तो आपका रेखी स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, पहला तर्क ये है। दूसरा तर्क ये होता है कि यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणी तत्व आते हैं, यहाँ पर लोन पेयर आता है। ये काफ़ी बड़ा नियम है, अगर आप लोग संकरण पढ़े होंगे 11 में तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो समझने की प्रयास मत कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको रट लीजिए, यहाँ तक रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी बाद में हम लोग जब कम्पिटेटिव एग्जाम को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये समझ लीजिए आपका इसका स्ट्रक्चर होता है और इस प्रकार से संकरण निकालते हैं। एक और निकाल के आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद क्या XCF4 का निकाल के दिखा रहे हैं, XCF4 का स्ट्रक्चर निकाल के दिखा रहे हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग लिखते रहिएगा, अब आप खटाखट निकाल लोगे, देखना कैसे। दूसरा है XCF4 का, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे XC, ठीक है, और XC मतलब जिनान है, जिनान के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर दो भैया, 8 इलेक्ट्रॉन भर दो इसे, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फ्लोरीन है, 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बांड बनाएंगे। एक तो इसके साथ बना लिया, चलो भैया ये BG हो गया, इसके साथ एक बांड बनाया, ये भी BG, इसके साथ बनाया, ये इसके साथ बनाया, ठीक है। कितना सिंगल बांड है, देखिए यहाँ पर कितना सिंगल बांड है, 1 2 3 4, तो BP का मान कितना हो जाएगा, 4। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, 4 सिंगल बांड, 4 BP। अब लोन पेयर की गिनते हैं, देखना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो दोनों आसपास में लोन पेयर बनाएंगे, तो पेयर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, एक ये 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 है। अब आपको संकरण निकालते समय BP प्लस
एलपी करना पड़ेगा, दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो 4 + 2 इक्वल टू 6, आपका कितना आया 6 आया। 6 पे आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अष्टफलकी। तो यहां पर लिखेंगे इसका संकरण क्या हुआ, sp3d संकरण है, d2 संकरण है, क्योंकि ये 6 आया है, 6 आया तो sp3d संकरण है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना, संरचना, संरचना क्या है आपका, अष्टफलकी। अष्टफलकी क्या है, अष्टफलकी, इसकी संरचना क्या हो जाएगा, अष्टफलकी, ठीक है, ये संरचना हो जाएगा। बोलिए समझ में आया आप लोगों को, अष्टफलकी होगा कि वर्ग समतली, ठीक है। इसे आप लोग देखिएगा, शायद वो इसका संरचना वर्ग समतली होता है, वहां पर गलती हो गई है, इसका संरचना वर्ग समतली होता है, ठीक है। ठीक है, वर्ग समतली होता है, इस वर्ग समतली का मतलब आपका क्या होता है, इस तरह से आपका एक्सी होगा, बीच में एक्सी होगा, इस तरह से चारों तरफ आपका फ्लोरीन जुड़ा होगा, इस तरह से आपका चारों तरफ फ्लोरीन जुड़ा होगा, और जो लोन पेयर होगा यह ऊपर इस तरह से होगा, ठीक है। सर आप उसमें लोन पेयर तो इधर रख रहे थे, लेकिन चूंकि वर्ग समतली संरचना है इसलिए इस तरह से संरचना होती है, ठीक है, अष्टफलकी नहीं होता है, थोड़ी गलत हो गया। इसे करेक्शन कर लीजिएगा, हो जाती है गलती लिखने में, ठीक है। इसकी संरचना क्या हो गया, वर्ग समतली हो गया। बोलिए संरचना समझ में आया कि नहीं, कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से संकर निकालते हैं, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं, एक करके आओ देखते हैं। कौन सा करेंगे अब इसके बाद, इसके बाद कौन सा करेंगे, ऑक्सीजन वाला कर लेते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना जरा, थोड़ी सी गलती हुई थी उसे आप करेक्शन कर लीजिएगा, आप लोग हो जाती है गलतियाँ थोड़ी मोड़ी, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिखकर बताना जरा कि HCF4 HCF6 का संरचना क्या होगा और संकरण क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब मैं आपको एक ये बताऊंगा, इसके बाद एक आप उसमें बता दूंगा, ठीक है। देखिए जिनान ट्राई ऑक्साइड, ऑक्साइड वाला संरचना देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी आपका यहाँ पर जिनान हो जाएगा, इसके वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, लेकिन देखिए फ्लोरीन तो एक बांड बना रहा था, लेकिन ऑक्सीजन 2 बांड बनाता है, इसलिए एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा और बांड बना लेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 तो बना लिया आपका। अब ये देखेंगे कि कितने बचे हैं, कितने बचे हैं, ठीक है, क्या देखेंगे कितने बचे हैं, यहाँ पर गिनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिंगल बांड को गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बांड बचा है, तब पर भी एक ही मानेंगे। यहाँ पर बांड पेयर कितने हैं, 1 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। बांड पेयर कितने हैं, 3 हैं, 3 ऑक्सीजन के साथ 3 बांड पेयर। और लोन पेयर कितने हैं, 1 है, बांड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो कौन सा है? कुल जोड़ोगे क्या होगा, BP + LP जोड़ दो भाई, क्या होगा, बांड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 1 हो गया। फिर से देखना, 1 2 3 4 5 6 तो है, लेकिन आपको दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन पे डबल बांड होते हैं, आपको मालूम है ऑक्सीजन के पास डबल बांड होता है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ेंगे, जो ऑक्सीजन होगा वह डबल इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, लेकिन एक लेंगे, बांड एक ही लेंगे, क्योंकि दो के साथ बना रहा, लेकिन बांड तो एक ही बना रहा ना। आप यहाँ पे सिंगल बांड लेते हो, क्यों लेते हो, क्योंकि सिग्मा बांड लिया जाता है, सिग्मा बांड को एक ही, यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा ये पाई है, तो ये सिग्मा बांड को ले रहे हैं, तो 1 2 3 हो गया बांड पेयर, प्लस में 1 ये लोन पेयर, कुल मिला के 4 हो गया। 4 होने के बाद आपका कौन सा संकर हो जाएगा, sp3 संकर हो जाएगा, और संरचना चतुष
चतुष्फलकी हुआ, लेकिन पूरा तरह से चतुष्फलकी नहीं हुआ, क्योंकि ये दो लोन पेयर है, इसको थोड़ा सा इसकी आकृति चेंज कर जाती है तो विकृति हो जाती है, पिरामिड की आकृति की हो जाती है। इस प्रकार से संरचना निकालते हैं। बोलिए आपको संरचना निकालने आया कि नहीं, आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, कोई समस्या हो तो बता देना, आपको मैं अलग से एक वीडियो सेशन ला के दे दूंगा जिसमें आपको संरचना निकाल के बताऊंगा इन सभी तत्वों का, और सभी तत्वों का संरचना निकालने आ जाएगा। कक्षा 11 की चीज़ें अगर 11 में आप पढ़े और रहते तो अच्छे से समझ में आता, और आज के लेक्चर में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखे हैं। एक काम करना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख करके मुझे बताना कि कल से कौन सा लेक्चर शुरू करना है, शानदार तरीके से कौन सा चैप्टर शुरू करना है। ये समझना आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हो, पी ब्लॉक खत्म हो चुका है जो कि मोस्ट थियरी और सबसे अधिक रिएक्शन होता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक के रिएक्शन तो याद हो जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक के रिएक्शन याद नहीं होते, क्योंकि ऑर्गेनिक के रिएक्शन में क्या होते हैं कि आप एक बार संतुलित नहीं भी करते हो तब पर भी चलता है, इसमें आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ता है, इसलिए बहुत कठिन पड़ता है। और मैं पी ब्लॉक खत्म कर दिया हूँ। जो स्टूडेंट फर्स्ट डे से मेरा मुझे देखा है, फर्स्ट डे से देखा है, सभी लेक्चर को देखा है, उसका काफ़ी सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी, पी ब्लॉक तो उसका तैयार ही हो गया होगा। इसके आगे चलते हैं उपसंयोजक यौगिक, हम सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप लोग क्या करो कहोगे, ऑर्गेनिक पढ़ाएं या फिर उपसंयोजक यौगिक पढ़ाएं? 3-4 लेक्चर की या अधिकतम 5 लेक्चर की बात है, आपको उपसंयोजक यौगिक में पढ़ा सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के इस लेक्चर में आप जो चीज़ें पढ़े हो इसे नोट्स करना, और जल्दी आपको पी ब्लॉक का नोट्स देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।